कामयाब हुए रत्मा के मंसूबे, छिन गया देवी अहिल्या का बड़ा अधिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, 6 साल के बाद अब हम इस सीरियल को आगे देख रहे हैं। इस बीच की घटनाएं हमें वॉइस ओवर में यानी कि आवाज के जरिए बता दी गई कि कैसे कैसे 6 साल में आगे बढ़ी जिंदगी, कैसे अब्दाली ने हमले किए, क्या क्या चीजें हुई, वो सब आपने सुना। मगर जो देवी अहिल्या की जिंदगी में नई चुनौती आई, जो पहले भी थी मगर अब वो बड़े लेवल पे आई और उसमें कामयाबी किसकी दिख रही है, वो हम सब ने महसूस किया इसी कड़ी में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पिछली कड़ी और आज की कड़ी दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये बात जो मैं कह रही हूं ये पूरी तरह से सत्य साबित होती है। पिछली कड़ी जो अभी अभी हमने देखी थी एक दिन पहले, उसमें रकमा की पुरजोर कोशिश मालेराव और देवी अहिल्या के बीच में दरार डालने की थी जो कामयाब हो गई, क्योंकि मालेराव के आखिरी जो बच्चा मालेराव था उसके आखिरी डायलॉग क्या थे आपको याद होंगे कि मैं आपको आई भी नहीं मानता हूं, कुछ इसी तरह से उन्होंने कहा था, जिसमें साफ झलकता था कि अब वो देवी अहिल्या की एक भी बात सुनने वाले नहीं है क्योंकि वो उसको आई ही नहीं कह रहे, यानी कि अपने ओर से उन्होंने आई का हक ही उन्होंने छीन लिया। किसकी वजह से? रकमा की वजह से, क्योंकि रकमा ने गलत पट्टी पढ़ाई है मालेराव को। और अब 6 साल के बाद जो हम मालेराव को देख रहे हैं वो ना तो अपनी आई के सगे हैं ना ही प्रजा के, क्योंकि जब मालेराव बच्चे थे तब मल्हार सरकार, गौतमा रानी और बाकी सब हरकू भाई साहब सब लोग कहते थे कि बड़ा होगा तो समझ जाएगा, अभी तो नटखट है, बच्चा है, शरारते हैं। मगर अब वही बच्चा बड़ा होके जिस तरह किसानों पे जुल्म कर रहा है, कैसे उन्होंने एक किसान की हरी भरी फसल को तबाह कर दिया, किसान की एक भी पुकार मालेराव तक नहीं पहुंची, रोते धोते किसान को उसकी उजड़ी हुई फसल के साथ वहां पे छोड़ के अपने लिए चित्रकार को बुला रहे हैं जो मालेराव का करेक्टर दर्शाता है कि पूरी तरह से मालेराव ने उस शिक्षा को अपने अंदर धर लिया है जो रकमा से उनको मिली है। वो आई काकी जो अब आई का रूप ले चुकी है, आने वाले समय में सामने आएंगे रकमा, क्योंकि मालेराव अब रकमा की बातें ही सुनते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मालेराव का जो व्यवहार है जो हमने पहले भी देखा है, पहले तो वो अपनी आई की बात फिर भी सुन लेते थे, कभी कभी बीच में एक आध सीन हम देख पाते थे, मगर अब जो मालेराव नजर आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रकमा की कामयाबी के मालेराव ही नजर आ रहे हैं। ये देवी अहिल्या का मालेराव नहीं है, ये रकमा का मालेराव है जिसने जानबूझ के देवी अहिल्या के रास्ते में कांटे बीजे हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में जब देवी अहिल्या नहीं थी, मुहिम पे थी, तब भी मालेराव ने अपनी प्रजा पे जुल्म ही किए थे, क्योंकि उस समय मालेराव को समझाने वाले जो थे वो चंद लोग थे और उन लोगों में रकमा सबसे आगे थी, क्योंकि रकमा की बातें मालेराव सुनते थे, इसलिए मालेराव इतने पक्के हो गए हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हट के लिए, कि उसके लिए वो कुछ भी करने में झिझकेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये आज के मालेराव रकमा की कामयाबी के सबूत हैं दोस्तों, और ये देवी अहिल्या के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.